जी, तो लर्निंग साइड में जैसे आप कह रहे हैं लर्निंग का प्रॉपर पूरा सर्कल होना चाहिए। लर्निंग में जैसे कि हमारे अगर हम एजुकेशन, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर क्या है, एक जो हमारा ट्रेडिशनली कहें तो रोट लर्निंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग या इनोवेटिव थिंकिंग उस पर फोकस नहीं किया जाता। बहुत सारे अभी शायद कुछ अवेयरनेस है, जैसे कि टीच विद E4 है जो इस तरफ काम कर रहा है कि ज़्यादातर बच्चों पर क्या है, क्रिटिकली उन्हें सोचने पर या एक इंटरेक्टिव या इनोवेटिव तरीके से उन्हें सोचने को या उनका काम ऐसा हो कि वो क्रिएटिव चीज़ों पर ध्यान दें, ना कि सिर्फ रोट लर्निंग पर। तो जैसे कि आपका स्कूल है या फिर बाकी बहुत सारे आपने भी स्कूल देखे होंगे, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, तो ज़्यादातर हमने देखा है कि रोट लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है या इस तरह की लर्निंग ही स्कूल्स में एक होता है, बच्चों को ABCD शुरू से लिखवाना शुरू कर देते हैं कुछ स्कूल्स में, है ना। तो वो एक पैटर्न होता है कि बच्चों को अच्छे तरीके से एक अच्छे से उसका प्रोसेस हो तो उसके माइंड में अच्छे से बैठ सके। अभी आपका क्वेश्चन ये था कि रोट लर्निंग जी, तो रोट लर्निंग बुरा नहीं है, रोट लर्निंग एक शुरुआत है। दूसरी बात, किसी समय में रोट लर्निंग इम्पॉर्टेंट था और एक लिमिट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने की वजह भी थी। अगर आप आज से 100 साल पहले भी चले जाएँ तो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस नहीं थे, तो हमें अगर किसी डेटा को सदियों तक स्टोर रखना है तो हमें उसको पहले याद करना, चलो लिखने की हमारे पास तरीके अवेलेबल हैं लगभग 7-8 हज़ार साल से, ठीक है। उससे पहले 10 हज़ार साल पहले चले जाएं तो कोई लिखने का भी कोई बंदोबस्त नहीं था, कोई तरीका नहीं था। रामायण भी गाई गई, लिखी नहीं गई, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे और सही ढंग से समझेंगे, रामायण को कभी लिखा नहीं गया था, ये एक मिथ है कि रामायण लिखी गई थी, वाल्मीकि जी ने उसको गाया था और आगे अपने वाल्मीकि बनाए थे जो उसको सरयू तट पे गाते चले जाते थे, ठीक है ना, तोती और श्रुति के थ्रू जो है ना वो उसको याद रखते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। तो एक व्यक्ति कंठस्थ कर लेता था, उसको याद कर लेता था पूरी को, वो आगे 10 को और बताता था, फिर वो आगे 10 को और बताते थे, वो उसको समझे या ना समझे पर उसको पूरा को कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे, ताकि वो मैसेज आगे पास होता चला जाए, ठीक है। जिसको समझना है वो समझ लेगा। तो उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल थी किसी चीज को याद रखने की जी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम समझने में ही पूरा समय गवा देते, हो सकता है हम भूल जाएंगे उसके श्लोक या ओरिजिनल चौपाइयां हम उसकी भूल जाएंगे, तो उसको याद रखने के लिए हमने उसको रट लिया और आगे फैलाना शुरू कर दिया, उसको गाने के तरीके से या उसको किसी भी तरीके से हमने आगे उसको 1000 लोगों को बताया, फिर उन्होंने आगे 1000 को बताया, करते करते वो 10 हज़ार साल तक सर्वाइव कर गया ग्रंथ, ठीक है, सब तक पहुंच के। फिर बीच में समय आ गया जब लिखने लग गए उसको, ठीक है, तुलसीदास जी ने लिखी, कम्बन ने लिखी, बहुत लोगों ने लिखी, लिखने का चलन यहीं से शुरू हुआ। या इससे पहले हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि कब पहली बार लिखी गई, तो बहुत अलग अलग फॉर्म्स में लिखी गई। तो वो समय था जब रोट लर्निंग एक लिमिट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो एक स्टोरेज डिवाइस के तौर पे थी। फिर लेकिन वो आदत बनी हुई है, आज भी हम रट रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है, हम सब कुछ हनुमान चालीसा और राम जी की आरती और बहुत कुछ हम याद करके रखते हैं, हम समझते नहीं हैं, लेकिन आज हमें ज़रूरत नहीं है याद करने की। आज हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि हम पल भर के कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आज उसको समझना, कॉम्प्रीहेंड करना, एनालाइज करना, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते, आज उन चीज़ों की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।